नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी ने आवास पर मनाया फूलदेई पर्व, स्कूली बच्चों ने दी बधाई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। अल्मोड़ा के तल्ला मालिनी देवी मंदिर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने की शिरकत, भट्ट का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, बूथ सशक्तिकरण अभियान का किया उद्घाटन। अंकिता हत्याकांड को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग के साथ वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग, गैरसैंण में विधानसभा का किया कूच। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा शुरू, जिला प्रशासन ने सेंटर पर रखी कड़ी निगरानी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 17,675 छात्र बोर्ड में है पंजीकृत। और उत्तराखंड में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को उठाएगी क्रेन, डीजीपी ने 10 क्रेनों का किया फ्लैग ऑफ, एसएसपी और एसएसपी ट्रैफिक भी रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक, अहम बिंदुओं पर लिया गया निर्णय, भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ये कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 6 बिंदुओं पर मुहर लगी। राज्य के पर्यटन नीति को मिली मंजूरी, फॉरेस्ट विभाग ने पेड़ों के काटन पर रोक लगाने के लिए दंड का किया प्रावधान, पेड़ काटने पर लगेगा दोगुना जुर्माना। वन संरक्षण अधिनियम के संशोधन किया गया है, 2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में हुआ संशोधन। कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में हुआ संशोधन। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में ड्रोन शो को दी गई स्वीकृति। पीएमजीएसवाई में 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विभाग में लिया गया। चमोली में स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मनाया फूलदेई पर्व, भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में फूलदेई पर्व मनाया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी को दी बधाई और शुभकामनाएं। स्कूली बच्चों ने सीएम धामी के साथ मनाया फूलदेई पर्व, सीएम धामी ने सभी को दी शुभकामनाएं। प्रदेश महिला कांग्रेस का गैरसैंण विधानसभा कूच, विधानसभा भवन में 4 किलोमीटर पहले दिवाली खाल में रोका गया प्रदर्शनकारियों को। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने की मांग के साथ ही वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की जा रही है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को दिवाली खाल में रोका। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला मालिना देवी मंदिर परिसर में पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों फूलमालाओं पहनाकर उनका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तल्ला मानिला देवी मंदिर में जाकर मां मानिला देवी की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद तल्ला मानिला गीता भवन पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। गीता भवन में बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। उन्होंने शक्ति केंद्र स्थल पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता है और पद से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। पार्टी का विस्तार बूथ स्तर तक हो, हमारे सब कार्यकर्ता बूथ को मजबूती में लगे और हर घर भारतीय जनता पार्टी कमल का झंडा लहराए,
इस विषय को लेकर हमने ये बूथ स्तर की बैठकें सब विधानसभा में कर रहे हैं और मैं लगभग 7 विधानसभाओं में वो क्षेत्र की मेरा स्वयं रहना हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर जो नगर पालिका नगर पंचायत और उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे उसमें हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा तो हैट्रिक बनाएंगे और सभी जगह हमारे लोग जीतेंगे। देहरादून के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में शुमार SGRR मेडिकल कॉलेज के कई छात्र छात्राएं कॉलेज के विरुद्ध लगभग 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। बता दें कि SGRR मेडिकल कॉलेज में फीस में बढ़ाए जाने पर छात्रों द्वारा इस आंदोलन को करने का कदम उठाया गया। छात्रों का कहना है कि फीस का मुद्दा तो फिलहाल कॉलेज प्रशासन और छात्रों के अभिभावकों के बीच न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन कॉलेज द्वारा उन्हें इंटर्नशिप करने से भी रोका जा रहा है। छात्रों और कॉलेज के बीच हुई बातचीत में ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि यदि छात्र अपनी फीस नहीं भरते तो उन्हें इंटर्नशिप भी नहीं करने दी जाएगी, जो कि मेडिकल लाइन में बेहद जरूरी होती है। परिवर्तन कुछ इस तरह है कि हमें पहले जब हमने एडमिशन लिया था हेमवती नंदन बहुगुणा की तरफ से, जो HNBU यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से हमें प्रोस्पेक्टस दिया गया था, उसके हिसाब से हमने फीस भरी थी यहाँ पे। अब ये हमसे एक बढ़ी हुई फीस मांग रहे हैं, जो कि एक सब्जेक्ट है, कोर्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें मैं ये बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और जो हमारी जुडिशियरी सिस्टम है, हमें उन पर पूरा विश्वास है, उस केस को वो हैंडल करें। हमारी कॉलेज से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी केस कोर्ट में चल रहा है वो कोर्ट में चलेगा, आप हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट करें। इंटर्नशिप स्टार्ट ना होने का मतलब है कि हमारे आगे नीट हैम्पर होएगा। जी सर, हम फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, हमारा अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और हमारे रिजल्ट में हम लोग सब पास बता दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू NMC सर, हम लोग इंटर्नशिप के लिए लायबल हैं। हमारे इंटर्नशिप स्टार्ट होनी थी 9 तारीख से, जो कि कॉलेज ने हमें नोटिस दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी नोटिस दिया गया कि आपको अचानक से 5 साल की लगातार पूरे 5 साल की फीस बढ़ी हुई, एक साथ 37 लाख रुपये आप जमा करा दीजिए, उसके बाद ही आपको इंटर्नशिप करने दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू NMC ये विरुद्ध है, नियमों के खिलाफ है। आप पैसे के बेसिस पे किसी की इंटर्नशिप अकेडमिक्स नहीं रोक सकते। कॉलेज प्रशासन हमें ये दबाव बना रहा है कि ये हम पैसा जमा कराएं और हमारी इंटर्नशिप उसके बाद ही ये स्टार्ट करेंगे, ऐसी हमें धमकी दी गई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से शुरू हो गई है। परीक्षा आगामी 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। पौड़ी जिले में बोर्ड परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 17,675 छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। पौड़ी CEO आनंद भारद्वाज ने वर्ष में अनुदान संख्या 29 औद्यानिक विकास के अंतर्गत होने वाले परियों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपए कर दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें, नहीं की संख्या अधिक है, अतः कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29 औद्योगिक विकास के अंतर्गत होने वाले परियों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 813,36,46,000 मात्र के से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें, हाँ की संख्या अधिक है, मांग की स्वीकृत मांग स्वीकृत हुई। 12/8 माननीय शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल महोदय जी से सिफारिश यह है कि प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11 शिक्षा खेल युवा कल्याण तथा संस्कृति के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 10,459,55,30,000 मात्र के अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? किसी सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11 शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 10,459,55,30,000 मात्र से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें,
जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपा नहीं गए, हाँ की संख्या देखे अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12-9 माननीय वन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27-1 के अंतर्गत होने वाले प्रयोग के चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹1,081,58,87,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27-1 के अंतर्गत होने वाले परिवियों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,081,58,87,000 मात से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें, हाँ की संख्या अधिक है, मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12-10 माननीय जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹2,525,69,11,000 से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹2,525,69,11,000 मात्र से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें, हाँ की संख्या देखें, अतः ये मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12-11 माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17 कृषि कर्म अनुसंधान के अंतर्गत होने वाले प्रयोगों के चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹1,294,15,57,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹1,294,15,57,000 मात्र से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें, हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की यह राशि स्वीकृत हुई। 12-12 माननीय परिवहन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव रखता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24 परिवहन के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹453,72,26,000 मात्र से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? किसी भी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24 परिवहन के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹453,72,26,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, हाँ तो बोलिए, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहे, हाँ की संख्या अधिक है, मांग की राशि स्वीकृत हुई। इतनी देर तक बैठे हैं, कम से कम जोश में हाँ तो बोले हम लोग। ये डर लग रहा है, नाम वाले में हाँ ना करते। 12-13 माननीय समाज कल्याण मंत्री जी। समाज कल्याण मंत्री अच्छा समाज तो उनके पास है, आप ही बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30 अनुसूचित जातियों के का कल्याण के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹2,080,61,02,000 मात्र से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं किया गया।
प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 2,080,61,02,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12 का 14 माननीय समाज कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 615,03,17,000 मात्र से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 615,03,70,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12 का 15 माननीय पशुपालन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से ये प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28 पशुपालन संबंधी कार्य के अंतर्गत होने वाले परिवहन के चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 617,43,60,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28 पशुपालन संबंधी कार्य के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 617,43,60,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12 का 16 माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16 श्रम एवं रोजगार के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 552,86,51,000 मात्र से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16 श्रम और रोजगार के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 552,86,51,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12 का 17 माननीय समाज कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15 कल्याण योजनाओं के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 2,850,24,51,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15 कल्याण योजनाओं के अंतर्गत होने वाले परिवहनों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 2,850,24,51,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12 का 18 माने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25 खाद्य के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 930,11,78,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25 खाद्य के अंतर्गत होने वाले परिवहन को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिए रुपये 930,11,78,000 मात्र से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य
इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12-19 माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1 विधानसभा के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹92,90,73,000 में मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01 विधानसभा के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹92,90,73,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12-20 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3 मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹109,73,21,000 में मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 03 मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹109,73,21,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12-21 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4 न्याय प्रशासन के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹616,57,70,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 04 न्याय प्रशासन के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹616,57,70,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, तब मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12-22 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6 राजस्व सामान्य प्रशासन के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹3,180,84,89,000 मात्र से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹3,180,84,89,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12-23 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9 लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹19,82,01,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 के को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9 लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹19,82,01,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः मांग की राशि स्वीकृत हुई। 12-24 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10 पुलिस एवं जेल के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹2,561,88,009,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। क्या कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं? किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10 पुलिस एवं जेल के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹2,561,88,009,000 मात्र से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये मांग की राशि स्वीकृत हुई।
12 का 25 माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल जी की सिफारिश यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹4,217। मेरे संज्ञान में आया है कि काफ़ी प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने हुडर लगाया हुआ है अनऑथराइज ढंग से, वो लगा नहीं सकते हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने कार्रवाई करने के लिए मैंने कही है। दूसरा, काफ़ी लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में वो कलर्ड फिल्म लगा करके जो है वो बिल्कुल लगा करके गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली गलत काम के लिए होता है। अगर आप पाक साफ हैं तो बिल्कुल भाई क्या दिक्कत है, किसी से कोई ढकने की क्या जरूरत है। तो इन वाहनों का इस्तेमाल गलत काम के लिए होता है, तो इन दोनों प्रकार के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। फूलदेई त्यौहार को लेकर बच्चों ने जाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहां पर फूलदेई त्यौहार मनाया, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। पर्व हमारा एक प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है, प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है, और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस पर्व पर सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके जीवन में ये फूलदेई पर्व, जिस प्रकार से फूलदेई पर्व पर हमारे सारे पुष्प जो है पूरी तरह से खिले होते हैं और प्रकृति भी खिली होती है, क्योंकि सच मानिए तो इस समय में जब फूलदेई पर्व मनाया जाता है और इसी के आसपास हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो नववर्ष भी प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से जो सूर्य की ऊर्जा है उसमें है वह भी और अधिक नज़दीक जो है पृथ्वी के पहुंचती है। ये पर्व हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए ये बहुत महत्व का पर्व है। सभी बच्चों को जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, और सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया, निश्चित रूप से उन बच्चों ने उन बातों को निश्चित रूप से अंगीकार किया होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी का उसमें मार्गदर्शन किया था, और सारे बच्चे सफल हों। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।